छापकर निकलकर सामने आते हैं, तो जाहिर तौर पर अगर हम तीसरी शक्ति वो पार्टी के पक्ष में है और सभी स्टेट्स में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। हम लोगों ने जो योजनाएं बनाई हैं, मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे उसको जनता ने पसंद किया है। सरकार संगठन मिलकर काम कर रही है और मैं ऐसा मानता हूं कि 2023 के चुनावों में सभी स्टेट्स में, विशेष रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। हम लोगों ने हमारी कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी 2 दिन पहले और वहाँ पर निर्णय लिया गया था कि राजस्थान भी सर्वे करवाएगा कास्ट बेसिस के ऊपर और उसको सरकार ने इम्प्लीमेंट किया, आदेश जारी कर दिया है जैसे बिहार में हुआ है। राजस्थान में हमारी पार्टी और सरकार ने मिलकर इसको इस निर्णय को लिया है और आज भी कार्य समिति का जो निर्णय हुआ है उसमें पूरा समर्थन इसको दिया है। हम चाहते हैं कि लोगों की जनगणना हो ताकि जो पॉलिसी मेकिंग है, बजट है, एलोकेशन है, फंडिंग है, जो टारगेट हमारा है वहाँ तक ढंग से वो स्कीम्स और प्रोग्राम पहुँच सकें ताकि अब तक जो लोग जिनकी ढंग से गिनती नहीं हो पाई थी उनको पॉलिसी फ्रेमवर्क में लाने का मौका मिले। सर, लगातार बीजेपी की ओर से तमाम दावेदार उतारे गए हैं, कांग्रेस की पहली लिस्ट कब तक आएगी चुनाव? सर, कांग्रेस की पहली सूची कब तक जारी हो सकती है? चर्चा हो रही है, सब डिस्कशन हो रहे हैं, हमारी ऑब्जर्वर्स, हमारी स्क्रीनिंग कमेटी सब आज दिल्ली में है, बहुत जल्द मीटिंग होंगी और मुझे लगता है कि क्रमवार तरीके से सब लिस्टों को हम लोग नाम करेंगे। शुक्रिया सर, जारी करेंगे क्या उसका पैमाना रखा जाएगा? जो भी लिस्ट बनेगी कार्यकर्ताओं की बनेगी, जो डिजर्विंग है, जो विनेबल है, मेरिट के आधार पर, जैसे मैंने पहले भी कहा इसमें किसी का पक्षपात या कोई तेरा है मेरा नहीं होगा। जो ग्राउंड रिपोर्ट्स, फीडबैक के आधार पर आएंगी, सर्वे रिपोर्ट्स आएंगी, जो विनिंग कैंडिडेट्स होंगे उनको पार्टी मैदान में उतारेगी। और मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि नौजवानों को और मौका मिलना चाहिए, जो लोग जो वंचित हैं, जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, महिलाएं हैं, उन सब लोगों को और मौका मिले और अच्छे पढ़े लिखे नौजवान लोगों को मौका मिलेगा तो देश की राजनीति के लिए अच्छा संकेत होगा।